प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज की क्लास में बच्चों, मैं डिस्कस करने वाला हूँ डाइलेक्ट्रिक्स को। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और डाइलेक्ट्रिक्स को जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तब क्या होगा, तो ये आज टॉपिक रहेगा मेरा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, प्यारे बच्चों, आप में से जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी द मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, वन इज कंडक्टर्स एंड अदर इज डाइलेक्ट्रिक्स। तो हम जितने भी मटेरियल्स हैं हमारे आसपास, तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं, एक तो कंडक्टर्स। तो फर्स्ट, व्हाट आर कंडक्टर्स। तो ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनसे चार्ज इजीली फ्लो हो सकता है। सो चार्ज कैन फ्लो इजीली। इजीली फ्लो हो सकता है चार्ज। और कंडक्टर्स की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं दैट ऑल आर कंडक्टर्स। मेटल हुआ, हमारा ह्यूमन बॉडी है दैट इज कंडक्टर, ह्यूमन बॉडी इज कंडक्टर। अर्थ, हमारी अर्थ, वो भी कंडक्टर है। और मरकरी, मरकरी इज ऑल्सो कंडक्टर। और नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी जितने भी हैं तो सारे के सारे क्या हैं? कंडक्टर। तो ये कुछ कंडक्टर्स के मैंने यहाँ नाम लिखे हुए हैं। तो इनके इनसाइड जितने भी नाम लिखे हुए हैं, चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है, चार्ज वन प्लेस टू अदर प्लेस इजीली फ्लो कर सकता है। अच्छा, यदि हम बात करें कि चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, चार्ज कैरियर्स चार्ज को कौन फ्लो कराते हैं, तो इन मेटल्स ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स में होता क्या है बच्चों, कि जितने भी मेटल्स हैं वो सभी एटम से मिलकर बने होते हैं। इस नेचर में जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो जो एटम में लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल्स में जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने न्यूक्लियस से इतने टाइटली बाउंड नहीं होते। उनको थोड़ा सा एनर्जी या रूम टेम्परेचर पर उनको इतना एनर्जी मिल जाता है कि वो अपनी ऑर्बिट छोड़कर क्रिस्टल में आ जाते हैं और वो इधर उधर मूव करने लग जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर ही इलेक्ट्रॉन इरेगुलर मोशन में होता है और उसमें इरेगुलर मोशन में वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होता है और वो जो इमोबाइल आयन्स हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो आयन बन गए हैं, तो उन आयन से भी वो कोलिजन करता है। तो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज कैरियर्स। और इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं दैट आर आयन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। तो ये हुआ कंडक्टर्स। तो कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक। सो डाइलेक्ट्रिक्स तो डाइलेक्ट्रिक्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें चार्ज इजीली फ्लो नहीं हो सकता। सो चार्ज कैन नॉट फ्लो। तो इनमें चार्ज क्यों नहीं फ्लो हो सकता डाइलेक्ट्रिक्स में? और डाइलेक्ट्रिक्स का दूसरा नाम है इंसुलेटर्स, दैट इज इंसुलेटर्स। आपने नाम तो बहुत सुना होगा। सो इन इंसुलेटर्स को ही हम बोल देते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, इंसुलेटर्स डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये जो इंसुलेटर होते हैं इनमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें
नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज कैरियर होते हैं। जैसे यहां बताया मैंने, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज कैरियर, तो इनके जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं, और जो टाइटली बाउंड होंगे तो वो फ्लो नहीं करेंगे, इधर उधर मूव नहीं करेंगे, तो इन मटेरियल्स में चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। दैट आर इंसुलेटर्स, और इंसुलेटर्स को क्या बोल देते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक्स। इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ग्लास, ग्लास रबर, ग्लास रबर, पेपर, पेपर, ड्राई वुड, ड्राई वुड, ओके। सो दीज ऑल आर डाइलेक्ट्रिक्स। माइका है, माइका भी क्या है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी क्या है, डाइलेक्ट्रिक है या इंसुलेटर्स है। तो ये एग्जांपल्स हैं इंसुलेटर्स के। तो क्या डिफरेंस हुआ बच्चों इन दोनों में, कंडक्टर्स तो वो मटेरियल्स हैं इन विच चार्ज कैन फ्लो इजीली, और डाइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर्स क्या है, इन विच चार्ज कैन नॉट फ्लो इजीली। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जब कंडक्टर्स या मेटल्स या इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक्स को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक यही है, मेटल्स एंड इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स इन एन एक्सटर्नल फील्ड। सो मेटल्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल फील्ड। सो फर्स्टली आई एम टेकिंग मेटल, एंड सपोज दिस इज द मेटल विच इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट इज द मेटल and this is placed in external electric field, and this is electric field E naught. Okay, this is the electric field E naught. So this is the electric field. So this is metal, and since it is a metal, so it has a large number of free electrons. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे, ड्रिफ्ट मींस वो मूव करेंगे अपोजिट टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वो कहाँ स्टोर हो जाएंगे, इधर कलेक्ट हो जाएंगे वो। तो यहां नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ये जो मेटल फेस है, नेगेटिवली चार्ज, और इधर कैसा हो जाएगा ये, पॉजिटिवली चार्ज। इधर कैसा चार्ज हो जाएगा ये, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया है, सो दैट इज सिग्मा फ्री, सिग्मा फ्री, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये डेंसिटी। तो यहां भी ये सिग्मा फ्री होगा, बट दिस विल नेगेटिव, दिस विल पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, ई नॉट, दिस इज ई नॉट। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ई नॉट में, और कब तक मूव करेंगे, जब तक कि ये इसका इंटरनल, अब देखिए इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां जनरेट हो जाएगा, यहां पॉजिटिवली चार्ज है, यहां नेगेटिवली, सो दिस विल बी द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन, ई इन। और ये कब तक मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जब तक कि ये दोनों फील्ड इक्वल ना हो जाए। ओके, जब तक दोनों फील्ड इक्वल ना हो जाए, तो इसके इनसाइड ई नेट कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, what will be the value of net electric field, that will be E naught, this field, and this is in opposite direction, so E, and that these two fields are equal, so the net field is zero. So that is why the electric field inside a metal or conductor is always zero. जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी मेटल को या किसी कंडक्टर को हम प्लेस करते हैं तो उसके इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है। ओके, नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक। तो अब मैं लेता हूं एक डाइलेक्ट्रिक, और इस डाइलेक्ट्रिक को भी रखा हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सो दिस इज द पीस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पीस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सो दिस इज ऑल्सो प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, दिस फील्ड इज ई नॉट। तो अब क्या होने वाला है इसमें, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब वो इनके इलेक्ट्रॉनों को तो मूव कराएगा नहीं, क्यों नहीं करा सकता इलेक्ट्रॉन्स को मूव ये, क्योंकि इसके इनसाइड इतने इलेक्ट्रॉन होते नहीं, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन्स इसके इनसाइड होते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक के या इंसुलेटर के इनसाइड, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक। तो इसके जो ये फेस है यहां पर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा, और इसका रीजन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं,
क्यों आता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा इसके मॉलिक्यूल को समझना होगा, तो अभी हम वही चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बट यहाँ ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाती है और उसको बोलते हैं हम सिग्मा पी। इस प्रोसेस को जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आई है पोलराइजेशन, इसको हम बोलते हैं। सो दिस इज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां भी एक सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होगी, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई इन। ओके, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई इन, जैसा यहां था ई इन वही यहां। बट दिस फील्ड विल नॉट इक्वल टू ई नॉट। यहां मेटल के केस में तो दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट थे और इक्वल थे, बट यहां अपोजिट तो है बट नॉट इक्वल। सो दिस फील्ड इज वीकर देन दिस फील्ड। ओके, सो व्हाट विल बी ई नेट? ई नेट विल बी ई नॉट माइनस ई इन, E not minus E. And what will be the direction of E net? Direction of E net will like this. E net. So that will be the net electric field. Okay. तो यहां इसकी जो वजह है ये यहां चार्ज आने का और यहां चार्ज आने का, ये भी हम अगले पार्ट में समझेंगे। और ये क्यों है? इस मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल है उनके स्ट्रेचिंग की वजह से या रीओरियंटेशन की वजह से। तो इन दो टर्म्स को अभी हम समझेंगे कि स्ट्रेच होना, रीओरियंट होना क्या होता है। बट यदि इस डायलैक्ट्रिक स्लैब, जो डायलैक्ट्रिक स्लैब यहां रखा हुआ है, इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज K, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? ई नेट विल बी इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई के। ये भी एक रिलेशन होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ई नेट का वैल्यू कितना होगा, ये होगा। और ये किसके इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई के। और इसको हम प्रूव करेंगे इसी चैप्टर के आने वाले कुछ क्लासों में। ओके, आने वाली क्लासेज में इसको मैं प्रूव करूंगा, जब कैपेसिटेंस में यहां पढ़ाऊंगा तो तब इसको हम प्रूव करेंगे कि ई नेट इक्वल ई नॉट डिवाइडेड बाई के। ओके,